बाद आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से बहुत सारा एंटरटेनमेंट। दोस्तों एंटरटेनमेंट इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में अगर कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो हमारे लिए तो ये एंटरटेनमेंट ही होता है। कभी ये भारत की तारीफ करने पे मजबूर हो जाते हैं तो कभी कुछ भी बकवास करते हैं, लेकिन कुछ भी हो हमें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। हम बात करेंगे जैसे कि आजकल बहुत इंडियन मीडिया में भी बात हो रही है पुलवामा अटैक की और पाकिस्तान को ब्लेम किया जा रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने एक लंबी लिस्ट दी है जो कि जिसमें तकरीबन 19 के करीब लोग हैं, उसमें से 6 या 7 पाकिस्तानी हैं, लेकिन बाकी सब कश्मीरी हैं, जो इंडिया साइड की कश्मीर है वहां पे। तो उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही कि वो लोग कौन हैं, और जाहिर है जब तक कश्मीर का इशू सॉल्व नहीं होता तो इंडिया पाकिस्तान को इस तरह की प्रॉब्लम्स और एलिगेशंस फेस करते रहने पड़ेगी। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ, हमने जी इंडिया से ज्वाइन किया है अशोक वानखड़े साहब ने, जो के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं आपका नाम ठीक से पढ़ पाऊं। आप वानखड़े स्टेडियम को याद रखिएगा तो अशोक वानखड़े डिफिकल्ट नहीं होगा डेफिनेटली। और जी पाकिस्तान से हमें चौधरी अमित पोटी साहब ने ज्वाइन किया है, आपका ताल्लुक पीटीआई से है। की तरफ चलूं, हमें डॉक्टर शाद ने भी ज्वाइन कर लिया, थैंक यू सो मच सर। पहले मैं अशोक जी आप जवाब दे ले चौधरी साहब का, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ चलूंगी। जी जी अशोक जी, नहीं मैं ये कह रहा था कि चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया बात कही। चौधरी साहब ने कहा कि सब अमन चमन है, चौधरी साहब को वो नारे सुनाई नहीं देते, नीलम झीलम बहने दो, हमें जिंदा रहने दो, दरिया बचाओ मुजफ्फराबाद बचाओ। वहां पे पत्रकार जो है तनवीर अहमद, उसका क्या गलती थी या उसको क्या मजबूरी थी कि उसको झंडा उतारना पड़ा? कहीं ना कहीं आप इसको एक्सेप्ट करिए। आप बोलते हैं कि हम आंखें निकाल देंगे, कितने युद्ध किए पाकिस्तान बांग्लादेश की, पाकिस्तान और भारत के बीच में कितने युद्ध हुए और युद्ध का नतीजा क्या हुआ? आप कहते हैं एक अभिनंदन को वापस कर दे तो बहुत बड़ा एहसान किया। जनरल आपके जो भुट्टो साहब थे वो कितने लोगों को वापस ले गए थे जब बांग्लादेश आपसे अलग हो गया, कितनी फौज आपकी यहां पड़ी हुई थी जो वापस चली गई। आप तो एक अभिनंदन को दे गए, हमने लाखों के तादाद में आपको वापस कर दिए, लेकिन इसका हम महिमा मंडन नहीं करते। भुट्टो साहब थे, उन्होंने कहा हमें जमीन चाहिए, हमने कहा कि ये भी लेके जाइए, आप जमीन तो ले ही जाइए, हमको कोई आपकी जमीन भी नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तान का कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान का सिर्फ एक अच्छा पड़ोसी होने का दायित्व निभाने के लिए चाहिए। जमीन भी वापस कर दी और सैन्य भी वापस कर दिया। डॉटर ऑफ द ईस्ट में जो किताब है उसमें देखिए रेफरेंस दिया है बेनजीर भुट्टो का, ये उनके सामने ही वाकया हुआ। सवाल वो नहीं है, सवाल है आप ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो गया कोई जा नहीं सकता। मैं आपको बोलता हूं आ जाइए आप इंडिया, मैं नहीं चलता हूं, आपको स्वागत है आपका, देखिए आप वहां पे बात करिए लोगों से। मैं जाता हूं वहां पे, मैं एक हिंदू हूं लेकिन वहां का मुसलमान मेरे लिए पागल है, क्योंकि मैं जहां गलती सरकार करती है तो मैं जम्मू के कश्मीर की धरती में बोल के मैंने सरकार को आड़े हाथ दिया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू के जो लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग वो किसको भगवान मानते हैं, खुदा किसको मानते हैं? वो कोई अब्दुल्ला फैमिली को नहीं मानते, ना कोई पीडीपी वालों को मानते हैं। वह आम आदमी को पूछिए बोलते हैं एक ही खुदा का बंदा था अटल बिहारी वाजपेयी, जो चमन चाहता था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उसको पूजा जाता है वो कश्मीर। आप ये मत बताइए कि अंदर हम इतना बड़ा ट्रक कैसा गया क्या गया, आपके यहां ब्लास्ट होते हैं तो वहां से क्या क्या पॉकेट में बटन जैसा साइज का बम थोड़ी गिरता है। आपके यहां ब्लास्ट होता है तो आप बोलते इंडियन गवर्नमेंट ने करवाया, कहां से क्या दिल्ली से बाकायदा ट्रक से जाता है क्या बारूद? दूसरे पे आरोप लगाने के पहले आप ये भी देख लीजिए अपने गरेबान में झांक के आपकी स्थिति क्या है। आप कहते कि हमारे यहाँ फौज कुछ नहीं है, जब से पाकिस्तान बना कितने बाद आपके यहाँ फौज की सरकार टेकओवर की और कितनी बार हमारे यहाँ टेकओवर हुई है बताइए आप। हमारे यहाँ जमहूरियत है, जमहूरियत रहेगी और बाकायदा इंशाल्लाह ये लगातार बनी रहेगी, क्योंकि हमारी फौज जानती है हमारी फौज को सीमा का रक्षण करना। हमारी फौज राजनीति नहीं करती, हमारी फौज इंडस्ट्रीज नहीं चलाती, हमारी फौज डेयरी नहीं चलाती। इसलिए मैं कहता हूं, मैं आपको गलत नहीं कहता, मैंने ये नहीं कहा कि वहां के नेता नहीं है अच्छे,
वहां के नेता भी चाहते हैं, लेकिन मजबूर जब फौज के हाथ में सब कुछ चला जाता है तो आज के डेट में आपके फौज के हमारे यहाँ के जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जाता है तो वहां के डिफेंस स्टाफ से मिलने जाता है, बात करने जाता है। मेरे यहाँ का डिफेंस स्टाफ किसी परराष्ट्र मंत्री को जाके निगोशिएशन नहीं करता, वो गुडविल विजिट पे जाता है। आपके यहाँ के आर्मी के चीफ सरकार की तरफ से बात करने जाते हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी उनको मालूम है कि सरकार से बात करने के बजाय आर्मी से बात करना ज्यादा अच्छा है। ये वस्तु स्थिति है चौधरी साहब। आपको इतना मेहनत कहने से टालने से या मैं बहुत कुछ कहूं तो मेरी जनता हंसेगी जो देखेगी वो, और जब आप ये कह रहे होंगे तो आपकी जनता आपको हंसेगी। सवाल है जो चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करके यदि हम आगे बढ़े तो कुछ हो सकता है। आपने कहा कसाब हिंदू था, आखिर में कहा उसने भगवान, आपके यहाँ के दो लोग थे उसको फांसी देने के टाइम पे जो उन्होंने सुना, उसका अंतिम क्रियाक्रम किस धर्म के हिसाब से किया बताइए। हमारे यहाँ हिंदुओं को किसी इतना इतना भारत जलील नहीं हुआ है, और भारत में आज भी सब धर्मों का आजादी है। भारत में किसी हिंदू को मुसलमान तरीके से नहीं दफना जाएगा, मुसलमान को उसके धर्म के हिसाब से उसकी इज्जत की जाएगी और हिंदू को उसके हिसाब धर्म के हिसाब से। तो ये आरोप लगाना कि उसको वो हिंदू था और उसको मुसलमान बना दिया, इतनी जरूरत नहीं है देश को। इतनी इतने 700 लोग मार के हम नहीं बताएंगे पाकिस्तान ने मरवाया है। आपके यहाँ क्या हो गया? ये जो 86 लोगों की लिस्ट है ये भारत ने नहीं दी है, यूनाइटेड नेशन से लिस्ट आई है। आपकी सरकार लगातार ग्रे लिस्ट से बाहर होना चाहती है क्योंकि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बैन हो जाएगी। वो ग्रे लिस्ट के लिए आपको मानना पड़ा कि 86 लोग है। आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन थे, अमेरिका ने घुस के मारा है अंदर। ओसामा बिन लादेन जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट आपके देश में रहता है और आपके ना सरकार को पता है ना आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है। शर्म आती है, मानवता का दुश्मन है वो। कितने अमेरिका में लोग मारे थे, कितने मारे गए थे जब ट्विन टावर उड़ाए गए थे। वो आदमी आपके यहाँ पना कैसा लिया? अब आप ये मत कहिए कि अमेरिका भी झूठ बोल रही है, कहीं और पकड़ के मारा और पाकिस्तान का बता रहा है। ले लेते हैं आपकी बात का। जी चौधरी साहब, देखिए अशोक साहब, आपको ये हमारी ग्रे लीग्स की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपके मुल्क ने जो उनके बस में था वो कर चुके हुए, और इंशाल्लाह यहाँ पे एक जुम्मेदार हुकूमत है और हमेशा ही जुम्मेदार हुकूमत रही है पाकिस्तान की, और इंशाल्लाह वो भी निकालेगी। और इंशाल्लाह ये जो आप कह रहे हैं ना कि वही फिर आप उसी पे आगे हुए कि ब्लेम गेम ब्लेम, और ये होगा। आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आप ये एक तारीख आ रही है हिंदुस्तान की ना, हिंदुस्तान कभी यूनाइटेड मुल्क नहीं था, वो सिर्फ मंगोलियन ने बनाया था मुसलमान होने के बाद। और इस्लाम में इतनी ताकत है कि वो जो बिछड़ी हुई चीज़ें हैं उनको इंशाल्लाह वापस लेके आएगा। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि मुसलमान बड़ी खुशी से रह रहे हैं, बड़े आज़ाद हैं, वो सिर्फ मेरे और आपके कहने से नहीं हो सकता। वो पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान आज पिछता रहे हैं कि कायदे आजम का दो कौमी नजरिया सही साबित हुआ। हिंदुस्तान के मुसलमानों को वहां पे कत्ल किया गया, हिंदुस्तान के मुसलमानों को आज भी इस वक्त वहां पे जला दिया जाता है, वहां पे मऊ बहनों की इज्जतें खतरे में पड़ी रहती हैं। और मैं वही कह रहा हूँ कि आपने एक फनेटिक हिंदू की सोच के सुने, ये हकीकत है। आपने आर एस एस जो उनको कैसे बचाना है। इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, हम कश्मीर लेंगे, और वो वक्त बहुत नजदीक आ चुका हुआ है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और ये इंशाल्लाह इस चीज की वक्त गवाही देगा। मैं हम पाकिस्तान के तारीख गवाह है, तारीख गवाह है चौधरी साहब। आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है चौधरी साहब। आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए, वो भारत ने दो टुकड़े करे आपके, आपका बांग्लादेश आप संभाल नहीं पाए। आप कश्मीर लेने की बात करें, आप व्यंग मत करिए, आप यथार्थ के धरातल पे बात करिए। आप गलत बयानी मत कीजिएगा, आप गलत बयानी मत, आप गलत बयानी कर रहे हैं। सुनने की हिम्मत रखे, सुनने की रखता हूँ, बिल्कुल रखता हूँ। आप अपने आप को ज़ाफ़ी कहते हैं, आप सच्चाई से हजारों मील दूर भागते हैं। आपकी आप जैसे अज़ाफ़ी ने हिंदुस्तान को तबाह किया है, और आपको हिंदुस्तान के जो सही मालिक हैं
मैं कह रहा हूँ कि वो आएंगे, इंशाल्लाह जरूर आएंगे, और आप जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों के करतूतों की वजह से आएंगे। आप कह रहे हैं कि कश्मीर में अमन हो गया, किधर कौन कहता है कश्मीर में अमन हो गया? दुनिया कह रही है कि कश्मीर में अमन नहीं है, दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान का मुसलमान, सारी दुनिया कह रही है आजाद कश्मीर में अमन नहीं है। मैंने आपको गिनवाया सारी बातें, अब हम गुमराह कर रहे हैं मुसलमान बड़ा, आप कहोगे तो गुमराह नहीं, हम कहेंगे तो गुमराह है। आपने सख्त बातें की है, मैंने नहीं बोला, मैं नहीं बोला, मैंने आपसे इंटरफेरेंस नहीं की आपकी गुफ्तगू में। बंदे हैं, मुझे मौका दें, आपका आपके अंदर जो कुछ है वो उगले जरूर, मगर जब मेरी गुफ्तगू में आप बोल रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ना आपकी कोई आवाज सुन पा रहा है ना मेरी सुन पा रहा है। प्लीज कंप्लीट कर ले जल्दी, बिकॉज़ टाइम थोड़ा कम है सजा से। जी अशोक जी आप बोलिए। मैं ये कह रहा था, सिंपल सी बात, थोड़ी सी मैं हिस्ट्री समझा दूं इनको। मुगलों ने भारत कभी इकट्ठा नहीं किया, मुगल नर्मदा पार करके नहीं आ पाए, मराठों के साम्राज्य में औरंगजेब का मृत्यु हो गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में, लेकिन औरंगाबाद के आगे सुन लीजिए इतिहास सुन लीजिए, मराठों ने अफगानिस्तान से लेके तमिलनाडु तक राज किया, मराठों ने, जब अब्दाली ने हमला किया मुगलों पे, अब्दाली ने हमला किया मुगलों पे, उनको बचाने के लिए मराठे पानीपत में आ गए, ये इतिहास गवाह है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास है, आपके बोलने से इतिहास छूटेगा नहीं। आप कश्मीर लेने की बात कर रहे चौधरी साहब, आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए, ईस्टर्न पाकिस्तान नहीं संभाल पाए, वो टूट गया, आप अपनी जमीन नहीं संभाल पाए, आप अफगानिस्तान की बॉर्डर पे आप अपने प्रदेश को संभाल नहीं पाते हैं, आप हमारे बोलते हैं कि कश्मीर लेगा। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था और आज भी कहता हूं, 10 साल के अंदर आप मुझे दिल्ली के पार्लियामेंट में आजाद कश्मीर जो हमारा हिस्सा होगा उसके नुमाइंदे बन के मिलेंगे, पार्लियामेंट के, दिल्ली के पार्लियामेंट के कैंटीन में हम खाना खाएंगे, मैं पत्रकारिता में रहूंगा, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, क्योंकि तब वो भारत का हिस्सा हो चुका हो। सवाल हो नहीं है, नहीं सवाल हो नहीं है, सवाल है कि आप डिस्टॉर्ट करके मत बोलिए। 86 की लिस्ट भारत ने नहीं दी, यूनाइटेड नेशंस ने दी, छोड़ दीजिए यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल छोड़ दीजिए, आप बोल दीजिए कि हम नहीं मानते इस 86 को। क्यों मानी आपने 86 की लिस्ट? क्या जरूरत थी कि इस 86 पर आपने बोला कि ये टेररिस्ट है? क्यों माना आपने? क्यों वो छह एड्रेसेस क्यों यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल ने माने हैं, सिक्योरिटी काउंसिल ने, कि दाऊद की ये छह एड्रेसेस सही है? क्यों माने हैं? हमने दिए लेकिन उनने तो ऐसा नहीं माना, हमने 15 एड्रेस दिए, उन्होंने सिर्फ 6 माने हैं, बाकी रिजेक्ट किए। सवाल है, उन्होंने भी देखा है, दुनिया का जहां सबसे बड़ा फोरम है, यदि उस फोरम पे आपको 86 लोगों की लिस्ट मिलती है, इसके बाद भी आप कहते हो कि टेररिज्म नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारा वर्ल्ड कह रहा है। आप बोलते हो कि F-16 नहीं गिरा, वो तो क्या गिरा, क्या अमेरिका ने आपको लताड़ा, सारी दुनिया जानती है, मैं उसमें भी नहीं जाता, युद्ध होना ही नहीं चाहिए, मैं युद्ध के खिलाफ हूं। हमारे यहाँ पठानकोट में अटैक होता है, हम आपके लोगों को बुलाते हैं, आप आके देख लीजिए, आपके यहां से टीम आके देखती आई थी, इतना ओपन तो हम हैं, हम किसी भी चीज का जब आरोप लगाते हैं तो ले लेते। मेरा एक सिंपल का सवाल है, जो बांग्लादेश नहीं संभाल पाया वो क्या आजाद कश्मीर से बोलेगा हम कश्मीर ले लेते? आप लेने की नहीं संभालने की बात करिए, आप पहले अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो आपका एरिया जा रहा है उसको संभालिए, वो तो भारत का कोई काम नहीं है, भारत का हिस्सा तो नहीं है वो, लेकिन आप यदि यह आतंकवाद करेंगे तो वो वहां रहेगा। रही चाइना की बात, तो चाइना को कैसे ट्रंप पे लाना है ये हमारे यहां हो गया है, चाइना फिंगर पॉइंट 4 पे है, सिर्फ एक जगह पे, चाइना लेक से लेके पेट्रोलिंग 11, 10, 13, 14 सारे खाली हो चुके, आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, आपके भी सेटेलाइट है, आपको पिक्चर मिल जाएगी उसकी। हाँ, चाइना जा है वहां हम डटे हुए हैं, हम नहीं मान रहे, चाइना का सारा इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया आपके जैसा, हमने पूरा देश चाइना को नहीं बेचा, हमने चाइना से सारा इन्वेस्टमेंट वापस कर दिया, चाइना की कंपनियों को वापस करने लगे, हमने श्रीलंका से कहा दिया कि चाइना को ब्लैकलिस्ट करे, वो कर गया है चाइना को ब्लैकलिस्ट। आज ये स्थितियां होती है जब इंटरनेशनल लोग देखते हैं कि जो अपने क्षेत्रवाद, जो अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, इंपीरियलिज्म जो चाहता है, आज के दुनिया में वो जगह नहीं है। आप युद्ध की धमकी मत दीजिए, आप ये मत बोलिए कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, पाकिस्तान इतना अलग थलग पड़ा हुआ है कि आज आप चाइना में जाते हैं तो आपके वहां पे फॉरेन मिनिस्टर को मीटिंग तक नहीं होती, ये अलग थलग पड़ा है,
ये आप देखिए, ये हम नहीं कह रहे, विश्व के अखबार कह रहे, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन। आपको आपको जो आपके ट्रेडिशनल सपोर्टर थे, ट्रेडिशनल सपोर्टर थे, वो अब तक आपको छोड़ के चले गए। कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करिएगा, कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करिएगा, क्योंकि आप हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। हम चाहते हैं आपके यहाँ अमन चमन, हम दिल से चाहते हैं। और अशोक जी, से पहले मैं चौधरी साहब की तरफ जाऊं, लास्ट कमेंट के लिए मुझे एक चीज और बताएं, ये एफएटीएफ से पहले ही ये सारा लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? एफएटीएफ में इंडिया को क्या इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करवाए? क्यों बार बार ये ब्लैक? एक सेकंड मैडम, एक मिनट। हमारे यहाँ आतंकवादी कार्यवाही हो रही है, हमने इंटरनेशनल फोरम पे बताया ये हो रही है। यदि आपको लगता है कि एफएटीएफ सिर्फ हमारी सुनता है, तो ये मानिए कि पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है। एफएटीएफ एक एक किसी का किसी की बपौती नहीं है। एफएटीएफ सिर्फ किसी की, हमारे कहने से नहीं होता। हम दाऊद इब्राहिम के बारे में कब से कह रहे हैं? आज से 20 साल से कह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने माना ना, क्योंकि उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया। एफएटीएफ ने आपको, एफएटीएफ में आपको ब्लैकलिस्ट करे, ये करे, हम तो कहेंगे कि हमारे यहां टेररिस्ट एक्टिविटी आप करवा रहे हैं। आप अभी तक बता रहे थे कि नहीं करवा रहे, आप ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर नहीं आ पा रहे? ग्रे लिस्ट से आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हैं। आपको अभी, मैंने कहा ना, कानून आपके यहां बने हैं। मैंने, अच्छा क्यों अभी कानून बने इसी साल भाई? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म पे कानून अब बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको एफएटीएफ से निकलना है। वो अच्छा है, निकली है, हम चाहते हैं कि आप निकले। हम चाहते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम जो है हमारे यहां था, उसको वापस कर दीजिएगा, हम हैंडल कर लेंगे उसको। वो तो आपके यहां पैदा हुआ नहीं है, उसको सर पे लेके घूमने से कोई मतलब नहीं। आप दे दीजिए, हमको ले लेंगे। थे एड्रेसेस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एग्री किए, ये मेरी लिस्ट नहीं है। एफएटीएफ यदि भारत चलाता है आरजू जी, और आप ये कहते हैं कि हम ब्लैकलिस्ट करवाने पे तुले हैं और हम ग्रे लिस्ट में डाल चुके हैं पाकिस्तान को, तो मुझे फिर ये कहना पड़ेगा कि वर्ल्ड फोरम पे भारत की ताकत इतनी बड़ी है कि वो कुछ भी करवा सकता है, और ये नहीं होता। मैं लास्ट कमेंट के लिए चौधरी साहब की तरफ चलती। चौधरी साहब, अगर पाकिस्तान की अपनी कमजोरियां ना होती, तो क्या भारत हमें ग्रे लिस्ट में या ब्लैक लिस्ट में, किसी भी लिस्ट में क्या करवा सकता है, अगर हमारे अपने कोई उसमें कोई पॉइंट हमारा अपना कमजोर ना हो? देखिए आरजू, इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में जो थोड़ी बहुत कमजोरियां थी, वो उसका सबब यह था कि दुनिया के ख्वाहिश थी कि अफगानिस्तान में आके पाकिस्तान को फतह किया जाए। वो वक्त गुजर चुका, अब पाकिस्तान नए ईरा में है। इंशाल्लाह ये पाकिस्तान है जो वो ये दुनिया में अमन चाहता है, और ये चाहता है कि दुनिया अमन में रहे। ये तारीख इस वक्त भी ये साबित कर रही है, और जो इनके प्रधानमंत्री हैं, वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के, वो उनका पूरे का पूरा क्लियर आ रहा है जो एंटी पाकिस्तान या एंटी मुसलमान है, और वो इस चीज़ की निशानदेही उन्होंने अपनी ताकत लगा ली। जो एफएटीएफ की ये फिक्र ना करें, वो पाकिस्तान की फिक्र है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्यादत है जो वो दुनिया की मानी हुई क्यादत है। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जब जहां पे जहां का खड़ा होता है, पूरी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर से आगे पीछे हो जाते हैं जी कि ये कौन आया। और वो आप भूल जाएं, इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों ने, इनकी इन लोगों की राह ने एक बड़ा लंबा थोड़ा प्लान बनाया हुआ था जो इनको फायर बैक हुआ है, और ये चीजें अब अनफोल्ड होती जा रही है। दुनिया मान रही है कि हिंदुस्तान जो पाकिस्तान में इंटरफेरेंस करवाता रहा है, आज हिंदुस्तान को वार्निंग दी जा रही है। ये अभी पीछे यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कि टेररिज्म के ये जितने भी आरएसएस के और हिंदुत्व आके हैं, ये सारे के सारे कैंप्स बंद करो। कभी नहीं। अशोक साहब सुने, मैं आप बड़ी सख्त बातें करते हैं, मैंने नहीं बोला। आप सुने, मैं आपको हर एक बात पे बोल सकता, मैं नहीं बोला। खुदा के लिए आप थोड़ा सा हौसला रखें, जो मैं कह रहा हूँ आपने अपना मौकफ दे दिया। आप थोड़ी सी हिम्मत रखें, थोड़ा सा हौसला रखें, जो मैं बात कर रहा हूँ मैं अपना मौकफ दे रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ, तो आप दुनिया मान रही है कि पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है अमन के सिलसिले में, चाहे वो अफगानिस्तान में हो, चाहे वो सऊदियों और ईरान के सिलसिले में हो, चाहे वो ईरान को बेहतरी में लाने के लिए हो, चाहे ईस्ट में हो, चाहे वेस्ट में हो। पाकिस्तान इस वक्त एक ग्लोबल प्लेयर्स में एक किरदार अदा कर रहा है कि दुनिया में कायम अमन कायम रहे। और इंशाल्लाह ये जो कह रहे हैं ना
इससे ऑनवर्ड आप देखते रहिएगा। ये पिछले दो सालों में हिंदुस्तान ने बहुत कोशिश की, पिछले साल ही की बात है ये, अभिनंदन साहब को जमीन पर लाने से पहले की बात है। आप पूरा हिंदुस्तान का मीडिया उठा के देख लें, हर रोज यही वावेला होता था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हम सर्जिकल स्ट्राइक से ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि इन लोगों के मुल्क में पब्लिक की कंजम्पशन यही बनी हुई है जी, के वो बॉलीवुड के जरिए वो फलां की फिल्म आ गई है, उसने तो कश्मीर को फतह कर लिया है, वही परसेप्शन ये इंडियन मीडिया के जरिए अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए रख रहे हैं, जो इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में ये सामने जाहिर होके बाहर निकल आएगी। मैं कहता हूँ कि मेरे और आपके कहने से कुछ नहीं होगा, हमें जो लोग सुन रहे हैं फैसला वो करेंगे बिल्कुल करेंगे। आपकी हुकूमत का ना, आपकी हुकूमत को मैं चेंज कर सकता हूँ ना मैं अपनी साइड पे यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। गुफ्तगू का तयन जो लोग सुनेंगे या जो आने वाला वक्त है वो करेगा कि कौन क्या कह रहा था। एक मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना मुसलमानों का समर्थन भारत में मिल रहा है वही कारण है कि वो 300 से ज्यादा सीटें लेके आए। आज तक इतनी हुकूमत आई, आप संघ को गाली दे रहे हैं, लेकिन ट्रिपल तलाक जैसा एक शस्त्र जो मुस्लिम बहनों और माताओं के लिए बहुत बड़ा जलील करने वाला था वो हटाया है उन्होंने। यही कारण है कि मुसलमानों ने आज वोट दिया है दबा के और देता है। ये भारत है जो हजारों करोड़ रुपए हर साल खर्चा करता है यहाँ के मुसलमानों को हज भेजने के लिए, हज की सब्सिडी के करोड़ों का बजट ये सरकार देता है। ये होता है हमारे यहाँ गणपति चल रहे हैं अभी, और वो गणपति का डेकोरेशन मुसलमान कर रहे हैं। हमारे यहाँ राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, राम मंदिर का काम मुसलमान कर रहे हैं। राम मंदिर का पूरा एस्टिमेशन जो किया है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जो बड़ा आदमी था वो एक मुसलमान था। कितनी बातें बताऊं मैं मुसलमानों की, आज हमारे मुस्लिम भाइयों को आपके वहां चिल्लाने से हमारा मुसलमान दबेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है भारत से वहां गया हुआ मुसलमान सेकेंडरी जिंदगी जी रहा है, और हमारे यहाँ मुसलमान आज भी डंके की चोट पे चौड़ा होकर जिंदगी जी रहा है। वो अधिकार रखता है कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री को कुछ कहे, वो अधिकार रखता है कि वो कोर्ट जाए और सजा दिलवाता है। सजा हुई है हमारे यहाँ नेताओं को, सजा हुई है। और रही आरएसएस की बात, तो संघ चालक का एक आज भाषण आप सुन लीजिएगा, जब वो कहते हैं कि मुसलमान इस देश का अंग है और मुसलमान हमारे संस्कृति का अंग है, या मुसलमान हमें चाहिए इस देश में, कौन कहता है मुसलमान? चार मुल्ला आप क्या बैठे हैं, चार पंडित हमारे यहाँ बैठे हैं, ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, किसी की औकात नहीं यहाँ के मुसलमान को पाकिस्तान जाने की बोलने की। और आपके यहाँ के जो बोलते हैं कि हम हिंदुओं को कत्लेआम करेंगे, मुझे चौधरी साहब आप पे विश्वास है, जो हिंदू मेरा वहां भाई बैठा हुआ है वो सेफ है, क्योंकि मैं विश्वास रखता हूँ आप पे। तो चार मुल्लाओं के बोलने से वहां का हिंदू तकलीफ में नहीं है, और यहाँ का मुसलमान किसी चार लोगों के बोलने से तकलीफ में नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ जमहूरियत है, हमारे यहाँ मिलिट्री ने कभी शासन नहीं किया। मैंने उदाहरण दिए, इसका जवाब नहीं दिया आपने, आपके यहाँ मिलिट्री 3-4 बार क्यों टेक ओवर कर दी, इसका जवाब नहीं दिया। बांग्लादेश कैसा टूटा, इसका जवाब नहीं दिया। कई जवाब है आप नहीं दे पाओगे, पर मैं भी आपको और कॉर्नर नहीं करना चाहूंगा। एक बार फिर कहता हूं मैं, हमारी बात मत मानिए, FATF की बात मानिए, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, या आतंकवाद के खिलाफ फंड खोलिए। आप यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट है 86 की, जो आपने एंडोर्स की है, अब उसमें काम करिए। ये जो तमाम लोग 86 आपके यहाँ है बोलते हैं वो करिए, ऐसा काम मत करिए जो अमेरिका ने आपके यहाँ रात को हमला करके आपको पता भी नहीं, और ओसामा बिन लादेन को मारा, और सारा देश विश्व देखता रहा इतना बड़ा आतंकवादी आपने यहाँ आपके यहाँ पल कैसा रहा, ये सवाल था। लेकिन मैं इसके लिए नेताओं को दोषी नहीं मानता, मैं आज भी मानता हूँ, आज आपका प्रधानमंत्री आज होता और पूरी ताकत यदि प्रधानमंत्री जी के हाथ में होती तो ये ऐसे गुनहगार पल पेंगे नहीं आपके यहाँ। ओसामा बिन लादेन की जमीन, भारत की पाकिस्तान की पाक जमीन, ओसामा बिन लादेन जैसे पापी आदमी को जगह नहीं देता, आर्मी ने दिलवाई। इसलिए मैंने कहा कि आपके यहाँ जमहूरियत हावी हो, आपके यहाँ आपका प्रजातंत्र हावी हो, आपके यहाँ आपके जैसे नेता पूरे पूर्ण रूप से सत्ता पे काबिज हो, और आर्मी का रोल अलग रहे, तो शायद आपके यहाँ वो होगा, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में कोई वैर होगा। ये मेरा आखिरी पैगाम। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आप लोगों का, और मैं उम्मीद करती हूँ
कि दोनों तरफ के लोग भारत के भी और पाकिस्तान के भी इसके ऊपर काम करेंगे, जैसे चौधरी साहब हैं, अशोक जी हैं, कि हम कुछ बेहतरी ला सकें और ये लड़ाई झगड़े ना हो? और सर परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, पाकिस्तान भी परफेक्ट नहीं है, भारत भी। मैंने कहा ना, मैंने खुद कहा कि हमारे यहाँ है लोग। देखें जब तक मसला रिजोल्व नहीं होगा कोई नहीं होने वाली, ये हकीकत है और ये पिछले 70 सालों से हकीकत है और ये हकीकत प्रवेल करेगी। इंशाल्लाह चौधरी साहब नहीं होगा 10 साल के अंदर। इंशाल्लाह चौधरी साहब मैं प्रॉमिस करता हूँ 10 साल के अंदर कश्मीर का मसला खत्म हो जाएगा, आजाद कश्मीर भारत का अंग बनेगा, आप हमारे पार्लियामेंट में आएंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, हो सकता है कि आप मंत्री बने, तब मैं आपके पास आऊंगा कि इंटरव्यू चाहिए मुझे। और ये आप देख लीजिएगा कि आपकी ये जो ख्वाहिश है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मसला कंक्लूड नहीं होगा जब तक ये खत्म नहीं होगा, तो इसकी वजह से मैं एक बात आपको बता दूं, मैं कश्मीरी हूँ, आजाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है, मैं किसी की खुशामद के लिए नहीं कह रहा, आजाद कश्मीर का बच्चा बच्चा आपके लिए सीसा पलाई हुई दीवार आपकी आर्मी के लिए अगर ना खड़ा हुआ, अगर आपकी ये ख्वाहिश है, जैसे मोदी साहब कह रहे थे जी के गिलगित हमारा है, हमारे मीरपुर हमारा है, मुजफ्फराबाद हमारा है, आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा, मैं हकीकत को आप पहचानिए, जो आप 10 साल वाली बात कह रहे हैं ना कि 10 साल में, देखें यहाँ पे वो कौम बैठी हुई है जिसने दुनिया के लिए जंगें लड़ी हैं, ये आप भूल जाएं, साजिशों का जमाना और रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब साजिशें होती हैं, चीजें बिगड़ती हैं, चीजें सुधरती हैं, और जब ये चीज सुधर जाए आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है, हम इस हिंदुस्तान के निजाम के खिलाफ है, हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ है जिन्होंने एक गदर मचाया हुआ है वहां के मुसलमानों के खिलाफ। उम्मीद करते हैं कि कुछ दूसरे की तरफ जाएंगे चौधरी साहब, कोशिश करेंगे, दोनों तरफ से कोशिश होगी तभी कुछ होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।